नमस्कार। कक्षा 12 के सिलेबस में डे 201 में हम और एटॉमिक फिजिक्स कर रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक डे 200 में हमने कुछ बातें कर ली थी। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे, बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसमें हमने हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग निकाल लिया था, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाल ली थी। त्रिज्या के लिए हमने ये फॉर्मेट डेराइव किया था, ये मैंने लिख दिया यहाँ। डे 200 से इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या निकाला था हमने, आर का जो मान है वो एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने ये वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, उसके बाद में ये देखें। ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये तीनों टॉपिक हम एक साथ ही करते हैं, अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग पूछते हैं तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसलिए हम इस वैल्यू का डायरेक्ट यूज करेंगे, करने वाले हम आर का मान, क्योंकि सोल्व हम पहले कर चुके हैं इसके अंदर। तो हम अभी क्या याद करना है, कक्षीय ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है उस समय उसकी ऊर्जा क्या होगी, किस बात पे निर्भर करेगी, वो हमें सोल्व करना है। अब ऊर्जा, वैसे हम ये सबसे पहली क्लास में जब हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था उसके जस्ट बाद में हमने उसको सोल्व कर लिया था कि ऊर्जा क्या कैसे याद करते हैं, वही है यहाँ, वही डेरिवेशन। उस समय मैंने बात की थी कि हम उसको दोबारा फिर करेंगे, वैसे हमने पहले क्लास में कर रखा है वो, जिसने देख रखा होगा वो पूरी कैलकुलेशन समझ में आ जाए, क्योंकि वही हम दोबारा करने वाले हैं, बस हम आर की वैल्यू और यूज कर लेंगे उसके अंदर, बाकी कैलकुलेशन सेम है। तो हमें कुल ऊर्जा निकालनी है, तो क्या करेंगे हम हाइड्रोजन एटम के लिए, वहाँ क्या करेंगे यार, पहले गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे उसकी, फिर स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, और कुल ऊर्जा हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, फिर हम उन दोनों को टोटल कर लेंगे। कंडीशन अपने पास क्या है, फॉर हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जैसा हमने कल सॉल्व किया था, हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, तो जो पहली कक्षा में टक्कर लगाता है, ऊर्जा पाकर ये किसी भी कक्षा में जा सकता है, वो अलग बात है, उसकी बात आगे करेंगे। तो यहाँ इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है, वो इसके लिए त्रिज्या हो जाएगी, आर त्रिज्या के पथ पर ये वी वेग से गतिशील है। उसका फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया था कि वी का जो मान है एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, उसके लिए हमने ये सिद्ध किया था, और आर के लिए हमने ये सिद्ध किया था कि आर का जो मान है एम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अब हम इसके लिए मान निकालें, तो सेम कुछ कैलकुलेशन वो की वही करेंगे। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हम एम वी स्क्वायर निकाल लें, एम वी स्क्वायर निकाल कैसे निकालेंगे, अभिकेंद्रीय बल हमें पता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, कूलाम बल हमें पता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल के बराबर होता है, तो वहां से एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू बराबर कर देते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के। तो यहाँ से अपने पास क्या निकालें, कूलाम बल निकाल लेते हैं, कूलाम बल F is equal to F ही लिख देते हैं, इसे F is equal to K E square upon R square, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, E square E into Q1 E Q2 E E into E E square which की डिस्टेंस R, तो R upon R square। दूसरी बात, अभी केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल क्या होता है, M V square upon R, वृत्ताकार पथ के लिए दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी वृत्ताकार पथ के लिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया के ई स्क्वायर अपॉन आर, के भी रख रहा हूँ बाद में इसका मान चाहे तो रख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 दे दें। ये वैल्यू देखो हमने त्रिज्या की आती थी तो भी हमने यहाँ तक सोल्व किया था, जब हमने वेग निकाला तो भी इसकी जरूरत रहती है, पहले जब हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा निकाली थी तब भी, अब हाइड्रोजन के लिए वहां हमने जेड ई लिया था, कोई भी परमाणु हो सकता है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं केवल हाइड्रोजन की, तो जेड का मान एक हो गया क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक एक होता है, हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है। अब हम इसके लिए गतिज ऊर्जा का मान निकालें, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर का मान है अपने पास, तो के इज इक्वल टू क्या आया, 1/2 एम वी स्क्वायर की जगह पुट करते हैं के स्क्वायर अपॉन आर, समीकरण नंबर 4। अब आगे देखें इसमें स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा भी दो तीन बार हम सॉल्व कर चुके हैं, ऊर्जा जो होती है कार्य के बराबर होती है, आवेश की बात करें तो विभवांतर गुणा आवेश के बराबर होता है, किसी भी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ही वहां विभव के बराबर होता है, तो विभव क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण के क्यू अपॉन आर, ये फर्स्ट पार्ट में हम बुक में बहुत बार सोल्व कर चुके हैं, के क्यू अपॉन आर होता है।
ठीक है। और आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिस पर हमें देखना है विभव, किसके कारण, इस इलेक्ट्रॉन पर किसके कारण विभव आएगा, इस प्रोटॉन के कारण आएगा। तो यहाँ पर विभव कितना होगा, यहाँ पर विभव होगा के क्यू अपॉन आर, यानी के ई अपॉन आर, क्यू का मान क्या है ई प्रोटॉन, और आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन पर, इस पॉइंट पर देखें तो आवेश कितना है माइनस ई, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहते हैं। तो यहाँ से हम स्थिति ऊर्जा निकालें, तो आप स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला कह सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसके बराबर होती है, कि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के कारण विभव, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के कारण विभव गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये मान पुट कर दो, स्थिति ऊर्जा ई, यहां पर विभव क्या आएगा, के ई अपॉन आर इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या आ गया माइनस ई, तो क्या आ गया यू इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर, समीकरण नंबर देते हैं पांच। तो ये तो मान आ गया गतिज ऊर्जा का, ये मान आ गया स्थिति ऊर्जा का, हमें निकालनी है कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा क्या होती है, दोनों के योग के बराबर, E इज इक्वल टू होता है के प्लस यू, दोनों वैल्यू पुट कर दो, K का जो मान है 1/2 के ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर, ये 1/2 है पॉजिटिव, ये 1 है नेगेटिव, तो आधे में से एक जाएगा तो माइनस का आधा बच जाएगा, चाहे तो के स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले लें, या 1/2 बचे या माइनस 1 बचे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, एक बात है। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2 के स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ तक हमने वहां सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपको डेरिवेशन से पूछा जाता है तो इसीलिए मैंने कहा था कि हमें इस आर की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, हम यहाँ थोड़ा सा आगे जाएंगे इसमें, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं, वरना डेरिवेशन पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो यही पूछा जाता है, और दिया जाता है किसी भी चीज़, तो यहाँ लिखा होता है 1/8 पाई एप्सिलॉन 8, कैसे आता है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब हम इसको, ये वैसे तो यहाँ तक आ गया अगर आपको प्रूफ करना हो, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएंगे उनका हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ से इस समीकरण, इसीलिए मैंने ये बात पहले लिख दी थी कि आर का मान हमें यहाँ यूज करना है, तो यहाँ आर का मान रखने पर तो ये तो मान है ऊर्जा का मान, क्योंकि हम बात किसके में करते हैं, त्रिज्या जब की थी तो भी एन के पदों में बात की थी, पहली कक्षा की ऊर्जा क्या, पहली कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, दूसरी कक्षा के लिए क्या होगी, तीसरी के लिए क्या होगी, तो वो 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई एन स्क्वायर से सोल्व कर सकते हैं। जब हमने वेग की बात की तो भी हमने एन की फॉरम में एन की व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर ऊर्जा को भी एन के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि आर आर है, आर के अलावा तो सारा कॉन्स्टेंट है 1/2 के स्क्वायर सब नियतांक है, और आर का जगह आर का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, जो किसकी फॉरम है, एन की फॉरम है, तो ई इज इक्वल टू क्या गया -1/2 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा 4π² mk² वैल्यू पुट कर दो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो काट दो, अदरवाइज लिख दो, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा शायद, तक दो कट रहा है बस केवल, तो ये आ जाएगा माइनस के ई स्क्वेयर स्क्वेयर, ई 4 हो गया, पाई स्क्वेयर एम हो गया, अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। अब देखो इसको थोड़ा सा, वैसे तो यहां दिखाई दे रहा है ई का मान एन स्क्वेयर के व्युत्क्रम अनुपाती है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट किस फॉर्म में करेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, वो फॉर्मूला हमें बाद में आगे काम हो रहेगा, ये दो रह गए, आप दो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसको रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सी एच से गुणा करते हैं और सी एच से भाग करते हैं, सी एच से गुणा और सी एच से, ऐसा क्यों किया है, वैसे यूं कहें भाई सी एच तो कांस्टेंट है, गुणा भाग करने की क्या जरूरत है, क्योंकि है, क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, उसके एक उसका एक कांस्टेंट दिया हुआ है, उस कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया है। तो उसमें क्या आता है, जब ये डिवाइड में सी एच क्यूब हो जाता है, सी एच क्यूब, तब जो इनकी कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर आ जाता है। तो यहां इसीलिए इसको मल्टीप्लाई किया गया, सी एच से मल्टीप्लाई और सी एच से डिवाइड, तो यहां से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एडिटिव, और इस पर लिख देते हैं 2 k k2 k k² आएगा, ध्यान रखना कैलकुलेशन का
के स्क्वेयर ई फोर पाई स्क्वेयर एम अपॉन सी एच क्यूब। अब ये तो सी एच क्यूब बढ़ाने के लिए इसको सी एच से गुणा किया तो सी आ गया एच स्क्वेयर इंटू एच एच क्यूब आ गया। अब यहां तो सी एच एक्स्ट्रा आ गया तो वो बाहर रहेगा अपॉन एन स्क्वेयर। ये जो वैल्यू है इस माइनस को बाहर ले लिया था हमने, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट को व्यक्त करती है। तो यहां इसको लिख रहा हूं मैं, यहां E इज इक्वल टू माइनस आर एच सी एच अपॉन एन स्क्वेयर। ये बात ध्यान रखना, अभी थोड़ा और कन्वर्ट करेंगे इसको, नेक्स्ट इक्वेशन दे देता हूं समीकरण सात। यहां आर एच का मतलब क्या है, आर एच है यहां, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट जो किसके बराबर है, जो इसके बराबर है के स्क्वेयर ई फोर पाई स्क्वेयर। हमें पता है ये सारे कॉन्स्टेंट है, जब इनके मान रख के हम इनको सॉल्व करते हैं तो इसका जो मान है वो हमें प्राप्त हो जाता है। इसकी वैल्यू आती है 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, और ये किसका मान है, आर एच का मान है। तो ये वैसे ज्यादा कहीं यूज होता नहीं है, फिर भी आप इसको ध्यान रख लें, बाई चांस कहीं यूज करना हो तो इसकी वैल्यू होती है 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। एक जगह जरूर इसका काम आता है, कभी कभार आज आया हो एक बार क्वेश्चन शायद, वो हम आगे पढ़ेंगे, लाइमन बामर श्रेणी 11 क्लास में पढ़ते हैं इनके बारे में, लाइमन बामर पास्टन ब्रेकेट फुंड श्रेणियाँ, तो वो कैसे उनके रिजल्ट निकाले जाते हैं तरंग धैर्य के अधिकतम और न्यूनतम, उनमें फिर ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है। इसलिए इस फॉर्मूले को हम इम्पोर्टेंट है, आपको इसका डायरेक्ट ध्यान रखना है कि एनर्जी की जो वैल्यू है इन फॉर्म ऑफ एम इन फॉर्म ऑफ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट क्या होती है, इज इक्वल टू माइनस आर एच सी एच अपॉन एन स्क्वायर। आर एच की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात सी एच, सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, लाइट वेलोसिटी 3 × 10⁸। एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है, ये भी ध्यान रहे 6.62 × 10⁻²⁴। और एन स्क्वायर, ठीक है, एन क्या है, संख्या है, सी एच की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी वहां, लेकिन जब हम इसको लैम्डा में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आर एच आपको याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल में इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल ऐसा है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसको थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई करते हैं कि आर एच भी तो कॉन्स्टेंट ही है, ये तो हमने एक आर एच की फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन ये भी तो कॉन्स्टेंट ही है, सी भी कॉन्स्टेंट ही है और एच भी कॉन्स्टेंट है। जब इन सभी को रखने के सोल्व करेंगे समीकरण सात को हल करने पर, तो हल करने पर E का जो मान है n के पदों में वो आता है −13.6/n²। और ये जो मान है वो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आता, यहाँ से तो जूल में आता है, लेकिन 1.6 × 10⁻¹⁹ का डिवाइड करते हैं तब वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये इक्वेशन है जो सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन है आगे की टॉपिक करने के लिए, सारी बातें इसी पे सेंटर्ड रहेंगी, अब इसी के बारे में हम बात करेंगे। और ये इक्वेशन याद रहेगी तो ये मान लें कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से कोई भी आ जाएगा तो वो उसको हम सोल्व कर पाएंगे, ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी से सोल्व होंगे। जो हमने बात की थी बोर मॉडल में कि परमाणु निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, कुछ ऊर्जा को ग्रहण करके वहाँ उसका अस्थायी समय रहता है, अस्थायी वो उसकी जगह है, वो वहाँ से वापस क्या करता है, वो मूल ऊर्जा स्तर में आता है और जितनी ऊर्जा ग्रहण की थी उसको त्याग कर देता है, किस फॉर्म में, वेव फॉर्म में त्याग कर देता है। अब वो जो वेव फॉर्म है तो उसकी वेवलेंथ होगी कुछ ना कुछ लैम्डा, उसकी कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी, उनको हम ज्ञात कर सकते हैं इससे। तो यहाँ जब हम अलग अलग ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा ज्ञात करेंगे अलग नेक्स्ट टॉपिक में, तो अभी तक तो हम इसमें इतना ही करेंगे। तो ये इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, इसका अब आगे के टॉपिक में हम डायरेक्ट यूज करेंगे, हम बात नहीं करेंगे कहाँ से आ रहे हैं, ये रिजल्ट महत्वपूर्ण है इसके हम बात करेंगे। जब आपको एग्जाम में अगर सिद्ध करने के लिए आए कि एनर्जी के लिए व्यंजक याद करें तो आप समीकरण 6 तक कर सकते हैं, उससे आगे करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा पूछा जाता है तो इसमें ये कह दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए तो इज इक्वल टू −1/8 के स्क्वेयर अपॉन बस ये कह दिया जाता है, सॉरी के का तो मान रख दिया, −1/8 r ये पूछा जाता है, तो आप यहाँ k की वैल्यू रख दो।
ये हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें ये फॉर्म चाहिए, जब हम फिर डायरेक्ट यूज करेंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कहाँ से आई है। तो यहाँ से बनाई जाती है इस फॉर्म को, आर एच की फॉर्म में, रिडवर कॉन्स्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। न्यूमेरिकल करने के लिए ये वैल्यू आपको याद है 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है, इसको हम आगे यूज करेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो इससे संबंधित शुरू हो जाएगा और इस पे ही इससे संबंधित ही बातें हम करेंगे, दो तीन बातें जो करेंगे वो सारी, तो बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसके रिवाइज कर लें।